Good morning, everyone. My name is Sanish Maharshi and I'm a lecturer in Suresh Gyan Vihar University. And today we will discuss about the heat transfer coefficient, which is the part of the subject heat and mass transfer. Here we will discuss about some content like introductions of heat transfer coefficient. Some multiple choice questions. Now we will discuss about introductions of the heat transfer coefficient. Here we will discuss about heat transfer coefficients. Heat transfer coefficients are needed for the design of internal heating or cooling devices and for reactions that are carried out in fired heaters or heat exchanger. Heat transfer coefficient can be predicted using the methods given in chapter 19 for tubular exchanger, fired heaters, internal coils, jacket vessels, and the stirred tanks. अच्छा अगर हम हीट ट्रांसफर कॉफिशेंट के बारे में बात करें तो हीट ट्रांसफर कॉफिशेंट की हीट ट्रांसफर कॉफिशेंट की नीड जो है इसको यूज जो है वो किसी भी इंटरनल कंबल्शन इंजन की हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस के की जो डिजाइनिंग जो होती है या उसका जो डिवाइस जो होता है उसकी जो डिजाइनिंग जो हम करते हैं उसके अंदर हम हीट ट्रांसफर कॉफिशेंट को यूज़ करते हैं। अब उसके यूज़ किस तरीके से करते हैं कि अगर हमें पता है कि इतने वो वेट को मुझे अगर सिलेंडर बनाना है या इतना उसके अंदर फ्यूल कंबल्शन होना चाहिए, इतनी अमाउंट ऑफ फ्यूल उसके अंदर होना चाहिए या इतना अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न उसके अंदर होना चाहिए, इतना फ्यूल कंबल्शन उसके अंदर होना चाहिए, इतना फायरिंग ऑर्डर उसके लिए होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि उसका हीट ट्रांसफर कॉफिशेंट क्या होना चाहिए। सो फर्स्टली वी यूज द हीट ट्रांसफर कॉफिशेंट इन द डिजाइनिंग ऑफ इंटरनल कंबल्शन इंजिन फॉर अ हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस फॉर लाइक एज अ फायरिंग ऑर्डर फॉर रिएक्शंस दैट आर कैरिड आउट इन फायर्ड हीटर्स और हीट एक्सचेंजर। हीट ट्रांसफर कॉफिशेंट can be predicted using this method, like for it is used for tubular exchangers, fired heaters, internal coils, jacket cells, and the stirred tanks. इसका यूज जो है कि हम ट्यूबुलर एक्सचेंजर के अंदर हम करते हैं, फायर्ड हीटर के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, इंटरनल कॉइल्स में इसका यूज़ किया जाता है, जैकेट मिसेल्स में इसका यूज़ किया जाता है और सम स्टार टैंक्स के अंदर भी इसका यूज़ हम करते हैं। व्हेन कैटलाइज्ड इज पैक्ड इनसाइड द ट्यूब्स ऑफ अ हीट एक्सचेंजर द इंटरनल हीट ट्रांसफर कॉफिशेंट इज इंक्रीज्ड। द ट्यूब साइड हीट ट्रांसफर कॉफिशेंट फॉर अ ट्यूब पैक्ड विद पिलेट्स कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द कोरिलेशंस ऑफ लेवा इन द 1949। मीन्स की मतलब कि जब भी किसी भी एक जो हमारा कैटलिस्ट जो होता है उसको जब हम उसकी ट्यूब्स को जो है जब हम इनसाइड से जब हम पैक करते हैं तो फॉर अ हीट एक्सचेंजर मतलब किसी भी हीट एक्सचेंजर की जो ट्यूब को जब इनसाइड से जब पैक किया जाता है इन अ लाइक ऐसा कैटलिस्ट इंटरनल ट्रांसफर तो जो हमारे हीट ट्रांसफर कोफिशेंट जो है उसकी रेट हमारी इंक्रीज हो जाती है। लाइक जब हम किसी भी जब कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड मतलब जब किसी भी चीज़ को बिना कंज्यूम्ड किए जब उसके जो रिएक्शंस की रेट को जब इंक्रीज कर देते हैं तो उस चीज़ को जो है हम यहाँ पर कैटलिस्ट बोलते हैं। व्हेन कैटलिस्ट इज पैक्ड इनसाइड द ट्यूब्स ऑफ अ हीट एक्सचेंजर द इंटरनल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज इंक्रीज्ड। द ट्यूब साइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर अ ट्यूब पैक्ड विद पिलेट्स कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द कोरिलेशंस ऑफ लेवा 1949। मीन्स की मतलब कि जब भी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट
मतलब हीट ट्रांसफर के ट्यूब को जब हम के कैटलिस्ट से हम पैक करते हैं, तो उसके थ्रू क्या होता है कि किसी भी हीट ट्रांसफर की इंटरनल की हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की इंटरनल की जो रेट जो होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। द ट्यूब साइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर अ ट्यूब पैक्ड विद पिलेट्स कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द कोरिलेशन ऑफ लेवा 1949। इसका इन्वेंशन जो है मतलब किसी भी ट्यूब साइड हीट ट्रांसफर मतलब किसी भी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के ट्यूब साइड का जो कॉन्सेप्ट जो है ट्यूब पैक के लिए विथ लाइक एस अ पिलेट्स, इसको हमने लेवा के साथ में 1949 के अंदर एस्टिमेट किया था। द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट वाज रिपोर्टेड टू बी इंक्रीज विद द इंक्रीज कॉलम डायमीटर। सक्सेना एंड पटेल इन द 1991 स्टडी द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन स्मॉल कॉलम डायमीटर लाइक एज अ 0.09 मीटर एंड इन हाई कॉलम डायमीटर 1.07 मीटर यूजिंग द थ्री डिफरेंट हीट ट्रांसफर प्रॉब डायमीटर्स। दे रिपोर्टेड दैट द इंक्रीज्ड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज ड्यू टू द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मिक्सिंग। हाउएवर किम एंड लॉरेंट इन द ईयर 1991 एनालाइज द पब्लिश रिजल्ट टू समराइज द इफेक्ट ऑफ कॉलम डायमीटर ऑन द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। They reported that the effect was found to be negligible for column diameters ranging from 0.052 to 0.152 meter। मीन्स कि यहाँ पर हम हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का इन्वेंशन जो है मतलब कि कौन से एयर के अंदर इसके कौन से पार्ट का और कौन से इसके सब टाइप्स को और कौन से इसके ग्रुप का इन्वेंशन किया गया था उसका डिस्कशन जो है हम यहाँ पर करते हैं। देन द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट वाज रिपोर्टेड टू बी इंक्रीज्ड विद इंक्रीज कॉलम डायमीटर। मींस कि यहाँ पर कहा गया है कि बहुत की हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड द कॉलम्स ऑफ द एंड कॉलम डायमीटर्स ऑफ द एनी पर्टिकुलर सिस्टम्स आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। व्हेन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आर इंक्रीज्ड देन कॉलम डायमीटर इज ऑल्सो इंक्रीज। सक्सेना एंड पटेल विच इज टू साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन इन द 1991 स्टडी द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन स्मॉल कॉलम डायमीटर्स। मतलब कि उसके जो स्मॉल कॉलम डायमीटर्स के बारे में बात करेंगे तो जो सक्सेना एंड पटेल जो कि दो हमारे दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1991 के अंदर जो स्टडी की और एक रिजल्ट एक आउटपुट निकाला कि कोई भी जो स्मॉल कॉलम डायमीटर्स की जो रेंज होती है वो हमारी 0.09 मीटर होती है और हाई कॉलम डायमीटर की जो हमारी रेंज होती है वो हमारी 1.07 मीटर होती है यूजिंग द थ्री डिफरेंट ट्रांसफर प्रॉप डायमीटर्स। और इसने थ्री टाइप्स ऑफ रिजल्ट कंडक्ट किए। द रिपोर्टेड दैट द इंक्रीज्ड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज ड्यू टू द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मिक्सिंग। द रिपोर्टेड दैट द इंक्रीज्ड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज ड्यू to the change in intensity of the fluid mixing. However, Kim and Laurent they reported that the increased heat transfer coefficient is due के और इसके अंदर पाया गया कि अब हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर मतलब किसी भी जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की रेट जो है वो अगर कॉलम डायमीटर के साथ में अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं मतलब कि उसकी दर जो है अगर हमारा कॉलम डायमीटर के साथ में बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने एक रिजल्ट पाया एक आउटपुट हमने निकाला कि जो भी एक जो फ्लूइड मिक्सिंग की जो इंटेंसिटी जो होती है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है। मीन्स कि अगर दो फ्लूइड लाइक ऐसे में अगर हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड कंसिडर करता हूँ ठीक है और उनकी जब इंटेंसिटी के बारे में जब मैं डिस्कस करता हूँ इन आर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट तो मैं पाऊंगा कि जो फ्लूइड क्योंकि एक जो फ्लूइड मिक्सिंग के जो एक इंटेंसिटी की जो एक जो दर जो है उसकी रेट जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है और उसकी वजह से जो है कि कॉलम डायमीटर और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का जो रिजल्ट जो है वो एक साथ इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। सो आई कैन से दैट हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड कॉलम डायमीटर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हाउएवर किम एंड लॉरेंट in the year 1991 analyzed the published result to summarize the effect of column diameter on the heat transfer coefficient. Means ki jab Kim aur Lauren jo ki hum do scientists the unhone 1991 ke andar ek analyze kiya aur ek study publish kari ki jiske andar unhone paya ki heat transfer coefficient pe jo column diameter ka jo effect jo hai wo hamara summarize ho।
reported that the effect was found to be negligible for column diameters ranging from 0.05 to 0.0152 मीटर. और एक रिपोर्ट तैयार करी कि जिसके आधार पर यह बात कहा गया है कि कॉलम के कॉलम डायमीटर के किसी भी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट के लिए जो कॉलम डायमीटर की रेंज होती है वो हमारी नेग्लिजिबल होती है, और जिस गैस के अंदर उसको यूज में लिया जाता है उसकी रेट हमारी होती है 0.052 मीटर. इन द केस ऑफ इनवर्स बबल फ्लो द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट में इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द कॉलम डायमीटर. दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट एट हायर कॉलम डायमीटर्स मोर बबल्स में राइज because of buoyancy by lateral movement of the bubble. Hence, mixing increases the heat transfer. Jhawar and Prakash in the year 2011 reported that column diameter effect seemed to diminish above a diameter of 0.3 meter. The increase in heat transfer coefficient is related to increasing liquid recirculation velocity with column diameter. Their observations are however based on a column diameter up to 0.03 meter and need to be verified for a larger diameter columns. After 2 minutes, we will complete the 10 minutes. In the case of आगे हमको आगे कहा गया है कि इन द केस ऑफ द इनवर्स बबल फ्लो मीन्स कि किसी भी एक जो ड्यूरेशन के अंदर मतलब किसी भी एक वाटर के ड्यूरेशन के अंदर या उसके प्रोसेस के दौरान एक जो बबल फ्लो जो हमको मिलती है, ठीक है, इनवर्स द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट में इंक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ द कॉलम डायमीटर, ठीक है, वो हमारे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट और कॉलम डायमीटर के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. मीन्स कि जब भी हमारे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट और कॉलम डायमीटर की दर या रेट जो है वो जब भी इंक्रीज होगी तो बबल फॉर्म जो है बबल फ्लो जो है उसकी रेट हमारी डिक्रीज होगी, और जब बबल फॉर्म की रेट जब हमारी इंक्रीज होगी देन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड द रेट ऑफ द कॉलम डायमीटर्स आर डिक्रीज्ड. This can be attributed to the fact that at a higher column diameters, more bubbles may rise up because of buoyancy. This can be attributed to the fact that at a higher column diameters, more bubbles may rise up because of buoyancy by lateral movement of the bubble. Hence, mixing increase the heat transfer. Jhawar and Prakash in the year 2011 reported that column diameters effect seemed to diminish above a diameter of 0.3 meter. कि means यहाँ पर मैं जिस bubble form के बारे में हम बात कर रहे हैं वहाँ पर मतलब कि Jhawar and Prakash जो कि दो scientists थे इन्होंने 2011 के अंदर एक invention किया, एक study की, और उसके अंदर पाया कि उस particular bubble form की diameter की जो है rate of the diameter of the bubble form which is conducted and obtained by through by in the form of the heat transfer coefficient and the column diameters are the range of 0.3 meter. The increase in heat transfer coefficient is related to increase the liquid recirculation velocity with column diameter. Their observations are however based on a column diameter up to 0.3 meter and need to be verified for a larger diameter columns. This observation, however, based on the column diameter, जिसके बारे में डिस्कस किया कि उसकी रेंज हमारी 0.3 मीटर है, नीड टू बी वेरीफाइड फॉर अ लार्जर डायमीटर कॉलम्स. वो एक लार्जर डायमीटर कॉलम्स के लिए हमने उसको यहाँ पर वेरीफाइड किया है. द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड the heat resistance offered by the tube wall. We assume the coolant heat transfer coefficient H cool, which is denoted by the H cool, and the tube wall resistance remains constant. The refrigerant heat transfer coefficient depends on the heat flux, which itself depends on the heat transfer coefficient. Uh,
मीन्स कि अब तक हमने जो हमने डिस्कस किया है वो हमने हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट में डिस्कस किया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। और जो हमारी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो होती है वो हमारी इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है, एंड द हीट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द ट्यूब वॉल। और जो हमारी हीट रेजिस्टेंस जो होती है वो हमारे ट्यूब वॉल के ऊपर डिपेंड करती है। लाइक अगर मैं बात करूँ ट्यूब वॉल, देन वी विल कंसिडर टू टाइप्स ऑफ ट्यूब्स, लाइक ट्यूब वन एंड लाइक ट्यूब टू, विच इज कंटेन अ डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर। Then we consider to a tube A, and this is considered tube B. When the heat, first of all we will discuss about tube A. When the heat is passing through the one point to another point in the tube A, then we will output, then the efficiency is 90%. But now we will discuss about these types of tubes. The heat is passing through this point and the exit from this point, then the rate of the heat transfer are decrease, means ki heat loss are increase in tube A with compared to tube B. We assume the coolant heat transfer coefficient, which is denoted by the H cool, and the tube wall resistance remains constant. The refrigerant heat transfer coefficient, H refrigerant, depends on the heat flux, which itself depends on the heat transfer coefficient. कि यहाँ पर हमने जो heat transfer coefficient जिसको हमने H जिसको हम denote करते हैं H cool से, वो हमारे tube wall resistance के साथ में constant होगा। मीन्स कि यहाँ पर जब भी न्यूमेरिकल जो हम करेंगे तो दो वैल्यूज जो हम लेकर चलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हीट ट्रांसफर कोफिशेंट इन अ कूल एंड लाइक एज अ कूलेंट हीट ट्रांसफर कोफिशेंट एंड द ट्यूब वॉल रेजिस्टेंस, वो दोनों हमारे यहाँ पर कॉन्स्टेंट होगी। द रेफ्रिजरेंट हीट ट्रांसफर कोफिशेंट डिपेंड्स ऑन द हीट फ्लक्स, विच इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन द हीट ट्रांसफर कोफिशेंट। और यहाँ पर जो हम रेफ्रिजरेंट हीट और यहाँ पर जो हम रेफ्रिजरेंट हीट ट्रांसफर कोफिशेंट लेकर चलेंगे वो हमारे हीट फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करेगी, जो कि हमारे हीट ट्रांसफर कोफिशेंट के ऊपर भी ऑटोमेटिकली डिपेंड करती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैलकुलेशंस ऑफ द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशेंट फॉर वॉल्स और हीट एक्सचेंजर। Heat transfer through a surface like a wall can be calculated as Q is equal to U into A into D into T, where okay, अब तक हमने बात करते हैं कि हमारे heat transfer coefficient क्या होता है, heat transfer coefficient जब wall के through जब हम discuss करते हैं तो क्या होता है और उसका general concept क्या होता है और वो किन किन चीज़ों के ऊपर depend करता है। But now we will discuss about the calculations over overall heat transfer coefficient for walls or heat exchanger. Like ऐसा अगर मैं इस wall के कि अगर मैं इस वॉल के बारे में बात करूँ तो इस वॉल से मतलब कि जब इनलेट का टेम्परेचर मतलब कि यहाँ से जब टेम्परेचर इनलेट करेगा और यहाँ से जब टेम्परेचर आउटलेट होगा, देन कितना हमने इनपुट मतलब कि जब से भी कुछ पर्टिकुलर वॉल के अंदर हम कितनी और कितनी अमाउंट ऑफ हीट हम कंडक्ट करवा रहे हैं और उसका आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, इस चीज़ की कैलकुलेशन हम इस वीडियो और हम किस तरीके से करते हैं ये डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। देन हीट ट्रांसफर थ्रू अ सरफेस लाइक अ वॉल कैन बी कैलकुलेटेड एज Q is equal to U into A into dt, where Q is equal to heat transfer, U is equal to overall heat transfer coefficient, A is equal to wall area, dt is equal to T1 minus T2. जहाँ पर मतलब कि ये जो हमारा जो इक्वेशन नंबर वन जो है विच इज नोटेड बाय द Q is equal to U into A into dt, जहाँ पर हम जानते हैं कि Q हमारा हीट ट्रांसफर मतलब कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट इन अ पर्टिकुलर सिस्टम मतलब कि किसी भी जो पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर हमारी कितनी अमाउंट ऑफ हीट कंडक्ट हो रही है, मीन्स कितनी हीट हमारी एक पर्टिकुलर वॉल एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट हमारी ट्रांसफर हो रही है, विच इज डिनोटेड बाई क्यू, एंड द यूनिट ऑफ दिस हीट ट्रांसफर विच इज डिनोटेड बाई क्यू इज वॉट एंड जूल पर सेकेंड। एंड द नेक्स्ट इज कैपिटल यू, कैपिटल यू इज इक्वल टू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशेंट, मतलब कितनी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशेंट का आउटपुट हमको मिल रहा है, विच इज डिनोटेड बाय द यू, एंड द यूनिट इज वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू कैल्विन।
and the next is a. A is equal to wall area. That is wall, and the capital A is equal to all full area, length and breadth. ठीक है. Then the capital A is equal to wall area, and which unit is meter square and feet square. And the dT is equal to temperature difference of the fluid in a system for a inlet and outlet. मतलब इस एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर जो हीट जो हमारे अंदर एंटर हुई उस वक्त जो उसका जो टेम्परेचर जो था उसको हम T1 कंसिडर करेंगे, और जब हमारा टेम्परेचर निकला मीन्स टेम्परेचर आउटलेट जो था उसको हम T2 बोलेंगे. सो देन T1 एंड T2 एंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम विच आर डिनोटेड बाय द dT एंड देन टेम्परेचर डिफरेंस ओवर वॉल इन द यूनिट इज डिग्री सेंटीग्रेड एंड द फारेनहाइट. The overall heat transfer coefficient for a multi-layer wall pipe or heat exchanger with fluid flow on each side of the wall can be calculated as 1 upon UA is equal to 1 divided by HCI into AI plus summation SN divided by KN into AN plus K 1 divided by HCU into AO, which is equation number 2, where U is equal to the overall heat transfer coefficient and the unit is watt per meter square into Kelvin. Kn is equal to thermal conductivity of a material in layer N in the and the which unit is watt per meter square into Kelvin. Here we discuss about some layers like layer 1, layer 2, layer 3, 4, 5 and 6. And the next is HCIO is equal to inside or outside wall individual fluid convection heat transfer coefficient, which is denoted by this unit like watt per meter square into Kelvin. And the last is SN. SN is equal to thickness of the layer and meter into feet. Like कि अगर मैं यहाँ पर दो तीन या चार पांच लेयर के बारे में बात करूँ, तो लाइक ये मेरी लेयर वन होगी, ये मेरी लेयर टू होगी, ये थ्री होगी, फोर होगी एंड फाइव होगी. देन द विच थिकनेस ऑफ दिस लेयर आर डिनोटेड एंड रिप्रेजेंटेड बाय द SN, which unit is meter and feet. A plain wall with equal area in all layers can be simplified to 1 by U is equal to 1 upon HCI plus summation SN divided by KN plus 1 divided by HCO. 1 मतलब कि अगर हम किसी भी एक all मतलब किसी भी हमें एक लेयर्स का और हम लेयर्स के बारे में बात कर लाइक लेयर 1, 2, 3, 4, 5 और उसके अंदर मैंने ये डिस्कशन किया है कि उसकी जो प्लेन वॉल जो है वो हमारी इक्वल एरिया है. मतलब कि उसकी टोटल एक पर्टिकुलर वॉल के अंदर एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर जितनी नंबर ऑफ लेयर्स लाइक 2, 3, 4, 5, 6 आप जितनी लेयर्स आप कंसिडर कर रहे हो वो सारी इक्वल एरिया की है. लाइक अगर मैं बात करूँ कि वो हमारी 12x6 की है, तो मैं बात करूँ कि जितनी लेयर्स आप 7, 8, 9, 10 जितनी लेयर्स आप यूज़ में ले रहे हो उन सब वो सबकी सेम रेंज है, मतलब कि वो सारी 12x6 की लेयर्स हमारी होंगी, जिसको हम कैन बी सिंप्लीफाइड कि जिसको हम इस तरीके से सिंप्लीफाइड कर सकते हैं कि 1 upon U इज इक्वल टू 1 upon HCI प्लस के समीशन SN डिवाइडेड बाई KN प्लस के 1 डिवाइडेड बाई इनटू HCO. द कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H डिपेंड और जब कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन के बारे में जब हम बात करते हैं कि वो हमारी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो वो हमारे यहाँ पर तीन पार्ट्स के ऊपर या तीन बातों पर डिपेंड्स करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फ्लूइड इफ इट्स गैस और लिक्विड. द सेकेंड इज फ्लो प्रॉपर्टीज लाइक वेलोसिटी. द थर्ड इज अदर फ्लो एंड टेम्परेचर डिपेंड्स प्रॉपर्टी. मतलब कि सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बेस पर भी अपन ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को डिफाइन करते हैं, लाइक वो हमारी गैसेस और लिक्विड हो सकती है. यहाँ पर हम सॉलिड को कंसिडर नहीं करेंगे. दूसरी हमारे फ्लो की प्रॉपर्टीज हो सकती है कि लाइक मतलब कि हमारे फ्लो की प्रॉपर्टी क्या है, मीन्स कि उसकी सर वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है. एंड द थर्ड इज अदर फ्लो एंड टेम्परेचर डिपेंड प्रॉपर्टीज, मतलब कि अदर टाइप्स ऑफ फ्लो क्या है और उसका टेम्परेचर क्या है, ठीक है, और वो प्रॉपर्टीज पर किस तरीके से डिपेंड करता है. ये हमारे कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिसके ऊपर हमारा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डिपेंड करता है. कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर सम कॉमन फ्लूइड्स.
कि अगर हम बात करें कि मतलब कि कुछ अगर मैं फ्रूट्स को कंसिडर करूँ और उसके अगर ओवरऑल हीट ट्रांसफर या कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के बारे में बात करूँ तो क्या होता है। लाइक एक फ्रूट में कंसिडर करता हूँ एयर, जिसकी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की रेट जो है वो मेरी होती है 10 to 100 वाट पर मीटर स्क्वायर इनटू केल्विन। या दूसरा फ्रूट जो मैं कंसिडर करता हूँ वाटर, जिसकी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की रेट मेरी होती है 500 to 10,000 वाट पर मीटर स्क्वायर इनटू केल्विन। हीट ट्रांसफर थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस इज अ हीट प्रॉपर्टी एंड अ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बाय विच एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल रेजिस्ट अ हीट फ्लो। थर्मल रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल कंडक्टेंस। हीट ट्रांसफर थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ कि लाइक एक मेरी वॉल है और मुझे पता है कि यहाँ से अगर मैं इतना इनपुट दे रहा हूँ और मैं एक एजम्पशंस लेकर चलता हूँ कि जब वो मेरे बाहर निकलेगी, मीन्स कि जब भी एक आउटपुट जो मुझे मिलेगा उसकी रेंज इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मुझे पता है कि अगर मैंने इतना टेम्परेचर अगर कंडक्ट करवा दिया, इंक्रीज करवा दिया और इससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर मैं निकला तो ट्यूब मेरी बर्न भी हो सकती है या वो एक पर्टिकुलर हीट या जो एनर्जी जो है वो मेरी वेस्ट हो सकती है। देन उस कंडीशन के अंदर मैं क्या करूँगा कि इस एक पर्टिकुलर ट्यूब या पर्टिकुलर सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर हम रेजिस्टेंस लगा देंगे कि जिससे उसके हीट ट्रांसफर की रेट जो है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट या ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की रेट जो है, उसकी दर जो है वो मेरी डिक्रीज हो जाएगी और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आउटपुट जो मुझे चाहिए वही मुझे यहाँ पर मिलेगा। हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एस आर इज इक्वल टू 1/U, वेयर द आर इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस एंड द कैपिटल यू इज इक्वल टू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। A wall is split in section of thermal resistance where the heat transfer between the fluid and the wall is some resistance. The wall itself is one resistance. The wall itself is one resistance. The transfer between the wall and the second fluid is a thermal resistance. Surface coatings or layer of a burn products adds extra thermal resistance to the wall, decreasing the overall heat transfer coefficient. Now we will discuss about some numerical. Like first numerical is a long pipe of 0.6 meter outside diameter is buried in earth with axis at the depth of 1.8 meter. The surface temperature of pipe and earth are 950 degree centigrade and 250 degree centigrade respectively. Calculate heat loss from the pipe per unit length. The conductivity of earth is 0.51 watt per meter into Kelvin. Solution. Question वो दे रहा है कि a long pipe of 0.6 meter diameter, like capital D is equal to 0.6 meter, then radius means capital R is equal to 0.6 divided by 2 is equal to 0.3 meter. Now long pipe of 0.6 meter outside is burned with axis at the depth of 1.8 meter. The capital L L is equal to 1 meter.
सरफेस टेम्परेचर ऑफ पाइप एंड अर्थ मीन्स टीपी एंड टीई इज इक्वल टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 250 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ टीपी इज इक्वल टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द टीई इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड and the with an axis at depth of the 1.8 meter which is denoted by capital D is equal to 1.8 meter and the thermal conductivity of the earth which is denoted by the capital A capital K is equal to 0.51 watt per meter into Kelvin. And then capital K is equal to 0.51 watt per meter into Kelvin. Heat loss from the pipe. Heat loss from the pipe is equal to Q divided by L. Then we know that Q upon L is equal to into S into M TP minus TE. Then this is equation number one. Now total here glass is equal to conduction shape factor is equal to 2 IL AL to pi L divided by natural log of 2 into the capital D divided by divided by R is equal to 2 into pi 2 1 divided by natural log of 2 into by 1.8 2.8 divided by 0.3. Then calculate
then we calculate triple S is equal to 2.528 meter. Now putting the value of the value of S in equation number 1, then we get capital Q/L is equal to 0.51 into 2.58 into 95 is equal to Q/L is equal to 90.25 watt per meter. This is the output of this is the heat loss in a pipe per unit length is equal to 90.25 watt per meter. Now we will discuss about some multiple choice questions. The first question is, which one is having highest value of overall heat transfer coefficient? Option A, steam condenser. Option B, filled water heaters. Option C, alcohol condenser. Option D, steam. So the right answer is option B, filled water heaters. Overall heat transfer coefficient for heat water heaters is 8500 watt per meter into Kelvin, meter square into Kelvin, while that of steam, alcohol condenser and ammonia condenser are 5000 watt per meter square into Kelvin, 630 watt per meter square into Kelvin, and 1400 watt per meter square into Kelvin. So the right answer is option B, filled water heaters. Question number second. What is the value of heat transfer coefficient for air to heavy tars and liquids? Option A, as low as 45 watt per meter square into Kelvin. Option B, as low as 40 watt per meter square into Kelvin. Option C, as low as 35 watt per meter square into Kelvin. Yeah, option D, as low as 30 watt per meter square into Kelvin. So the right answer is option A, as low as 45 watt per meter square into Kelvin. It is an incompressible fluid which has constant volume independent of pressure. What is the value of overall heat transfer coefficient for air to low viscosity liquid? Option A, as high as 900 watt per meter square into Kelvin. Option B, as high as 800 watt per meter square into Kelvin. Option C, as high as 700 watt per meter square into Kelvin. And option D, as high as 600 watt per meter square into Kelvin. So the right answer is option D, as high as 600 watt per meter square into Kelvin. It is made of tiny vibrating particles of matter which are held together by intermolecular bonding. Question number 4. Which one is having lowest value of overall heat transfer coefficient? Option A, steam. Option B, air condenser. Option C, air to heavy tires. Yeah, option D is ammonia condenser. So the right answer is option C, air to heavy tires. Overall heat transfer coefficient for air to heavy tires is 45 watt per meter square into Kelvin, while that of steam, air condenser and ammonia condensers are 340 watt per meter square into Kelvin, 780 watt per meter square into Kelvin, and 1400 watt per meter square into Kelvin. Question number 5. What is the value of overall heat transfer coefficient for air condenser? Option A, 350 to 780 watt per meter square into Kelvin. Option B, 250 to 900 watt per meter square into Kelvin. Option C, 200 to 350 watt per meter square into Kelvin. And option D is 200 to 1950 watt per meter square into Kelvin. So the right answer is option A, 350 to 780
watt per meter square into Kelvin because it is consist of an air coil which is used to remove heat from fluids. Question number 6. Which one is having highest value of overall heat transfer coefficient? Option HT, option B alcohol condenser, option C air condenser, option D is air to various gases. So the right answer is option C, air condenser. Overall heat transfer coefficient for air condenser is 780 watt per meter square into Kelvin, while that of steam, alcohol condenser and air to various gases are 340 watt per meter square into Kelvin, 700 watt per meter square into Kelvin, and 550 watt per meter square into Kelvin. Question number 7. What is the value of overall heat transfer coefficient ammonia condenser? Option 800 to 1400 watt per meter square into Kelvin. Option B, 200 to 750 watt per meter square into Kelvin. Option C, 250 to 2500 watt per meter square into Kelvin. Yeah, option D is 1000 to 500 to 1750 watt per meter square into Kelvin. So the right answer is option A, 800 to 1400 watt per meter square into Kelvin. It is an electrical device that stores a vast amount of energy. Question number 8. Which one is having the lowest value of overall heat transfer coefficient? Option A, air condenser. Option B, air to low viscosity liquids. Option C, steam condenser. Option D is feed water heaters. So the right answer is option B, air to low viscosity liquids. Overall heat transfer coefficient for air condenser is 780 watt per meter square into Kelvin, while that of steam condenser, air to low viscosity liquids and the feed water heaters are 5000 watt per meter square into Kelvin, 6000 watt per meter square into Kelvin, and the 8500 watt per meter square into Kelvin. Number 9. What is the value of overall heat transfer coefficient for a steam condenser? Option A, 200 to 9000 watt per meter square into Kelvin. Option C, 3000 to 5500 watt per meter square into Kelvin. Option C, 2000 to 9500 watt per meter square into Kelvin. And option D is 1000 to 500 to 5000 watt per meter square into Kelvin. So the right answer is option D, 1500 to 5000 watt per meter square into Kelvin. It is a rotating machine similar to a motor used to control power flow in electric power transmission. Number 10. Which one is having highest value of overall heat transfer coefficient? Option A, feed water heaters. Option B, steam condenser. Option C, alcohol condenser. Option D, ammonia condenser. The right answer is option A, feed water heaters. Because overall heat transfer coefficient for feed water heaters is 8500 watt per meter square into Kelvin, while that of steam condenser, alcohol condenser, and the ammonia condensers are 5000 watt per meter square into Kelvin, 700 watt per meter square into Kelvin, and the 1400 watt per meter square into Kelvin. Thank you.